चल मेरे साथ। नहीं तेरे को इतना क्या सोचना पड़ रहा है? शादी की बात है, छोटी सी बात है, खत्म कर। हाँ बोल के पता नहीं क्या सोचे जा रही है ये देख। मम्मी मम्मी दी बच्ची है, ज्यादा ना ड्रामे ना कर मेरे सामने। वो तो बाऊ जी है जिन्होंने मेरे हाथ बांध के रखे हुए हैं, नहीं तो मैंने तो तेरा ऐसे जुंडा पूटना था ना कि तेरे से हाँ बुलवा के ही रहती। सीमा मम्मी इतना प्रेशर देने से पहले ना ये याद रखना कि मैं आप ही की बेटी हूं और कोई एहसान नहीं किया मुझ पे इतना टाइम देकर। जिंदगी भर का फैसला है, मैं एक दिन में कैसे ले सकती हूँ दादू? और ये सही है, अमीर घर के लड़के का रिश्ता है तो लड़की के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचती है। सबको ये लगता है कि वो हाँ ही करेगी, चाहे फटाफट करे या टाइम लेकर करे। ओए ज्यादा ना मॉरल साइंस ना सिखा मुझे, समझी? मम्मी मैं कोई मॉरल साइंस नहीं सिखा रही, एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ कि लड़की क्या सोचती है। और शायद ना आपकी बात भूल गए कि पौने दो बारी मिली नहीं हूँ मैं उस लड़के से। जिंदगी भर का फैसला कैसे ले लूं? माना माना वो दादू के दोस्त का पोता है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कि गुस्से वाला है, शांत है, बोरिंग है, एक्साइटिंग है, लाइफ को कैसे जीता है। दादू मैं तो ये भी नहीं जानती उसका जिंदगी को जीने का नजरिया कैसा है। और मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं, लड़का मैटर करता है कि वो कैसा है। और जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं ना मिलते मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। वही तो देने आया हूं माई जी। पुत्र जी आओ आओ। पुत्र आपने क्यों आने की तकलीफ की? ओ बाऊजी तो आपको फोन करके खुशखबरी सुनाने ही वाले थे। नहीं नहीं it's okay आंटी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे, जिंदा रहे। सही पुना दादाजी, जिंदा रहे पुत्र। देखा कितना संस्कारी है, है कोई कमी उसमें? दादाजी वो मैं भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, हम लोग अंदर चलते हैं, हैं? आप यहाँ बैठो आराम से, है ना? हाँ चल चल। अगर तूने इस रिश्ते के लिए मना किया ना तो देख लियो जिंदगी भर तेरे से बात नहीं करूंगी।